हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बायोनिश क्लासेस, फ्रेंड्स आज हम बी जेड वाई सी टी वन थ्री थ्री में कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम में जो सिक्स जो यूनिट इसका है सक्सेशन इन कम्युनिटीज, उसको आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेशन इन कम्युनिटीज़ इंट्रोडक्शन इसकी इकोसिस्टम आर डायनेमिक एंटिटीज इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस इकोसस्टम पता है हमें कि ये डायनेमिक मतलब ये मतलब इसमें वेरिएशन आती रहती है चेंज होता रहता है विच अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस द बायोटिक कम्युनिटी इज प्रेजेंट इन एन इको सिस्टम अंडरगोज चेंजेस विद टाइम टाइम के साथ साथ जो बायोटिक कम्युनिटीज़ है उसमें चेंजेज आती रहती है द चेंज़ कैन अक्कर नेचुरली और कैन बी इंड्यूसड बाई मैन ये जो चेंजेज़ है ये मैन के द्वारा भी इंड्यूस की जा सकती है या फिर नेचुरली भी हो सकती है नेचुरली कैसे जैसे मान लो जैसे फ्लड आ गया या कोई भी रेन हो गई या किसी भी तरह का जो नेचुरली जो जैसे वॉलकैनिकरप्शन होगी उसकी वजह से जो चेंजेस आ जाती है इंड्यूस्ड बाय मैन जैसे मैन जो है कल्टीवेशन करता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी जो चेंजेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो गया तो उसकी वजह से भी जो चेंजेस आती है इकोसिस्टम में कम्युनिटीज़ में चेंजेस कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अब चेंजेस जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है मतलब थोड़े टाइम के लिए हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है लॉन्ग टर्म चेंजेस जो होती है वो परमानेंट चेंजेस होते हैं करेक्टरिस्टिक्स में ऑर्गेनाइजेशन में और कम्पोजिशन ऑफ इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म चेंजेस आर कॉज्ड बाय नेचुरल इवेंट्स जो लॉन्ग टर्म चेंजेस है वो मैक्सिमम जो है वो नेचुरल uh, इवेंट्स के थ्रू होती है जैसे वो ऑलगेनिक इप्शन हो गए लैंड स्लाइड्स हो गए फ्लड्स हो गए हरिकेन्स एंड ह्यूमन इंटरवेंशन सच एज माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन नाउ वट इज सक्सेशन सक्सेशन है क्या द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन अफेक्ट द इको सिस्टम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी जो चेंजिज आती है उसको वो इकोसिस्टम को अफेक्ट करती है विद इन एनी कम्यूनिटी सम स्पीशीज़ बिकम मोर अबंडेंट और इनक्रीज़ इन नंबर और सम स्पीशीज़ बिकम लेस अबंडेंट और मे डिसअपियर विद टाइम जब एनवायरमेंटल चेंजेस आती है तो उसके साथ क्या होता है कुछ जो कम्युनिटी कम्युनिटी में जो स्पीशीज़ होती है कुछ जो ज़्यादा अबंडेंट हो जाती है जिसका लिए जो कंडीशन फेवरेब फेवरेबल है उस कंडीशन में वो जो स्पीशीज़ है उनका नंबर इंक्रीज कर जाएगा और दूसरी जो होगी बाकी जिसके लिए अनफेवरेबल है वो क्या करेगी वो लेस अबंडेंट हो जाएगी और या फिर डिसअपियर हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज सक्सेशन इसको ये जो चेंजेस होती है इकोसिस्टम में कम्युनिटीज़ में उसको हम सक्सेशन बोलते हैं द चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ एनी इकोलॉजिकल कम्यूनिटी इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन मे ऑल्सो अक्कर वैन इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज ड्रास्टिकली जैसे फॉरेस्ट फायरस होगी विंड स्टॉम्स हो गए या ह्यूमन एक्टिविटीज होगी उनकी वजह से भी ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो होता है सक्सेशन स्टॉप वेन स्पीशीज कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज विद दैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कभी कभी क्या है लॉन्ग टाइम से कोई मतलब किसी तरह का जो जो कम्युनिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही मतलब सक्सेशन वहाँ पे जो क्या है वो रुक गया विद द पासेज ऑफ टाइम जो इस टाइप की जो कम्युनिटी होती है उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं कि इसमें क्या होता है इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है कि कोई चेंज ही नहीं आती फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिक चेंजेज़ कैन काज प्लांट सक्सेशन सिंगल केस ऑफ प्लांटिकुलर काइंड ऑफ हैबिटेट इज यूजली रेफर टू एज अ सीरी सिंगल चेंज अगर एक किसी प्लांट सक्सेशन में आ रही है तो उसको हम सीरी बोलेंगे द वेरियस स्टेज ऑफ अ सीरी आर कॉल्ड सीरियल स्टेज अब है प्लांट सक्सेशन की टाइप्स मेनली ये दो तरह का होता है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन क्या है इट बिगिन इन द एरिया वेर नो प्लांट प्रेजेंट जिस एरिया में बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है मतलब जीरो वेजिटेशन है जीरो प्लांट्स है तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ जो जहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट होगी उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन बिगिनस विद द कॉलोनाइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पायनियर स्पीशीज इन और ऑन द बेयर एरिया बेयर एरिया जो है जहाँ पे कुछ भी नहीं है खाली जो एरिया है उस पे जो नई जो स्पीशीज़ डेवलप होगी वहाँ पे, तो वो उससे जो है सक्सेशन स्टार्ट होगा पायनियर स्पीशीज़ पायनियर स्पीशीज़ वो होती है जो मतलब जहाँ पे जो स्टार्टिंग करती है मतलब जहाँ पे वेजिटेशन नहीं प्रेजेंट है तो जो सबसे पहले स्पीशीज़ वहाँ पे आती है कॉलोनीज़ की फॉर्म में तो उसको हम पायानी स्पीशीज बोलते हैं नेक्स्ट इज सेकेंडरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन कौन सा है दिस काइंड बिगिन इन द एरिया वेयर द वेजिटेशन वॉज प्रेजेंट प्रीवियसली बट इट गॉट डिस्ट्रॉयड और डिस्टर्ब पहले जो है वेजिटेशन प्रेजेंट थी बट क्या हुआ कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या कुछ भी हुआ उसकी वजह से क्या हो गया कि जो वेजिटेशन है वहाँ पे ख़त्म हो गई वो एक बार जो वेजिटेशन वहाँ पे ख़त्म हो गई उसके बाद जैसे मान लो फॉरेस्ट फायर आ गई उसकी वजह से एक वेजिटेशन जो है वहाँ पे जो पूरा वो ख़त्म हो गया उसके बाद जब टाइम के बाद जब वो दोबारा दव, से स्टार्ट होगा तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं इट इटकर्स इन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट फायरस यहाँ पे फॉरेस्ट फायरस आती है डीफॉरेस्टेशन आती है फ्लड्स होते हैं इरोजन सॉयल इरोजन्स होते हैं या किसी भी तरह के इरोजनज़ होते हैं और अबंडेंट एग्रीकल्चरल लैंड्स वहाँ पे जो क्या है जैसे हमने एक जो एक फसल काट दी तो दूसरी उसमें जब दोबारा से स्टार्ट होगी तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं बेस्ड ऑन इट्स काज सक्सेशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप एलोजेनिक सक्सेशन सक्सेशन इज काज बाय चेंज इन एनवायरमेंटल एलोजेनिक सक्सेशन मतलब एनवायरमेंटल चेंज की वजह से अगर अगर कंडीशंस जब चेंज हो तो उसको हम एलोजेनिक उसकी वजह से जो सक्सेशन होता है उसको एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं इट चेंजेस द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लांट कम्युनिटी। दूसरा है ऑटोजेनिक सक्सेशन उसमें क्या होता है ड्यू टू चेंजेस इन सॉइल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन एंड एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स सॉइल स्ट्रक्चर में अगर चेंजेज हो एक है एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड जिसको हम एलोजेनिक बोलेंगे दूसरा जो है वो सॉइल के साथ रिलेटेड सॉइल की कंपोजिशन सॉइल की स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स उसमें जो चेंजेज आती है उसको हम ऑटोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं सक्सेशन कैन बी आल्सो बी कैटेगराइज एज अब सक्सेशन को और कौन सी मतलब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम एक प्रोग्रेसिव एक रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव का मतलब समझते हैं कि कुछ जो है किसी चीज़ का बढ़ना और रिट्रोग्रेसिव मतलब उसका कम होना सीक्वेंशल प्रोग्रेसिव सक्सेशन क्या है सीक्वेंशल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी अक्कर प्रोग्रेसिव में क्या है सिक्वेंशल डेवलपमेंट होगी एक सीक्वेंस में होगी सिंपल कम्युनिटी विद फ्यू स्पीशीज़ एंड लो प्रोडक्टिविटी डेवलप्स इंटू मोर स्पीशीज़ एंड हाई प्रोडक्टिविटी किसी कोई कम्युनिटी जो है उसमें कम स्पीशीज़ प्रेजेंट है या उसकी प्रोडक्टिविटी लो है तो जब वो टाइम के साथ साथ उसकी मतलब थोड़े ही टाइम में अगर उस उसमें जो है स्पीशीज़ उसकी जो है नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी इनक्रीज हो जाए और प्रोडक्टिविटी उसकी हाई हो जाए तो उसको हम प्रोग्रेसिव सक्सेशन बोलते हैं दूसरा जो रिट्रोग्रेसिव है वो इससे ऑपोजिट है इट इज़ अ काइंड ऑफ सक्सेशन वेयर द कम्युनिटी बिकम्स सिंपलिस्टिक एंड कंटेन्स फ्यूअर स्पीशीज एंड लेस बायोमास ओवर टाइम क्या है इसमें क्या है जो स्पीशीज़ है उनका जो नंबर है वो कम हो जाएगा और लेस बायोमास मतलब बायोमास का जो प्रोडक्शन है वो भी टाइम के साथ वो कम हो जाएगा इसको हम रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन कहेंगे नेक्स्ट इज प्रोसेस इन प्रोसेस इन सक्सेशन सक्सेशन में जो कौन कौन से प्रोसेस जो हम इंक्लूड करते हैं जिसमें है न्यूडेशन नाइन तरह के जो इसमें ग्रुप्स होते हैं न्यूडेशन माइग्रेशन जर्मिनेशन एक्सेस कॉलनाइजेशन एंड एग्रीगेशन कॉम्पिटिशन इन्वेजन रिएक्शन एंड स्टेबिलाइजेशन। तो फर्स्ट है न्यूडेशन इसमें क्या होता है एन एरिया इन विच नो लिविंग फॉर्म इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज न्यूड एरिया न्यूड एरिया मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट उसको न्यूड एरिया बोलेंगे इस पर क्या है द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी जो प्राइमरी स्पीशीज़ जो मतलब प्राइमरी सक्सेशन जो न्यू स्पीशीज़ वहाँ पे जो डेवलप होंगी स्टार्ट करेंगी उसको हम न्यूडेशन बोलते हैं ये क्या होता है इसमें पायोनी स्पीशीज़ जो है वो आ, पहले बिगिन होती है और ये आर सिलेक्टेड होते हैं आर सिलेक्टेड मतलब कि इनमें जो है जो इनके इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती माइग्रेशन द सीड्स पोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द प्रोपगेशन प्रोसेस एस्टेब्लिश इन द न्यूड एरिया न्यूड एरिया में जो सीड्स प्रेजेंट है जो सीड्स जो है माइग्रेट कर रहे हैं मतलब वहाँ पर कहीं से भी सीड आके जो न्यूड एरिया पे आ जो आके डेवलप हो रहे हैं प्रोपागेट कर रहे हैं तो उसको माइग्रेशन उसके बाद जर्मिनेशन होती है जो सीड्स वहाँ पर प्रजेंट है या स्पोर्ट्स प्रेजेंट है तो उनकी जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो जो सीड्स है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट है एक्सेस एक्सेस क्या है सक्सेसफुल जर्मिनेशन ऑफ प्रोपेग्यूल्स एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट इन एन बेयर एरिया दैट इज़ नोनेड एक्सेस सबसे पहले न्यूडेशन था मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं था स्टार्ट होगा तो माइग्रेशन में क्या है जो सीड्स और स्पोर्स वहाँ पे आ, आए कहीं से भी माइग्रेट करके न्यू डेरिया पे तो वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद उनकी जर्मिनेशन होगी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स या स्पोर्स की जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी देन एक्सेस होगी उसके बाद एक्सेस में क्या है कि जो सीड्स है वो मतलब सक्सेसफुली जर्मिनेट कर गए और उसके बाद जो है जो बेयर एरिया है वहाँ पे जो है वो वेजिटेशन जो डेवलप होना स्टार्ट हो गई नेक्स्ट इज कॉलोनाइजेशन एंड एग्रीगेशन अब जब वेजिटेशन हल्की हल्की सी स्टार्ट हुई उसके बाद उसके ग्रुप जो है स्पीशीज़ uh, के वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गए इन दिस इन दिस स्टेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीजेज बाय रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के थ्रू जो इंडिविजुअल्स है एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन वो क्या करेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो डिक्री इंक्रीज करेगा लाइफ साइकिल बिगिनस टू कंटिन्यू इन इकोसिस्टम अब और यहाँ पर लाइफ साइकिल भी बिगिन हो जाएंगे देयर इज़ ए लिटल माइग्रेशन आउटसाइड द एको सिस्टम अब बहुत कम माइग्रेशन होगी यहाँ पर एंड सक्सेशन कॉन्टीन्यूस मोर स्पीशीज़ एडिड टू द इको सिस्टम और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो इको सिस्टम में एड होती जाएंगी और सक्सेशन जो है वो कॉन्टीन्यूस रहेगा ये क्या होती है के सेलेक्टेड स्पीशीज़ के सेलेक्टेड मतलब इनके लिए ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है जो मतलब जो इनके ऑफ स्प्रिंगस होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ती है लाइफ फ्रॉम जो लाइफ फॉर्म है वो क्या है उसमें कौन कौन सी है ब्रीदिंग और ग्रोइंग जो है उसमें इंक्लूड होती है नेक्स्ट स्टेज है कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन अब क्या होगा अब स्पीशीज़ कई तरह की वैराइटीज जैसे कॉलोनाइजेशन होगी एग्रीगेशन होगी बहुत सारी स्पीशीज़ वहाँ पे डेवलप हो गई तो वहाँ पे क्या होगा अब स्पीशीज़ में जो है वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कंपटीशन इंटर स्पेसिफ़िक भी हो सकता है या फिर इंट्रा स्पेसिफिक इंटर मतलब दो स्पीशीज़ के बीच में भी जो मतलब दो से दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है और सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में भी जो कंपटीशन है वो हो सकता है फॉर द रिसोर्सेज बेटर सूटड स्पीशीज़ बिगिन टू सक्सीड ओवर द स्पीशीज़ वही इसमें आ जाएगा कि स्ट्रोंगर वन विल बी डोमिनेट वाइल वीकर वन विल बी एलिमिनेट जो स्ट्रोंग होगा जो बेटर जिसके लिए सिचुएशन बेटर सूट सूटेबल होगी वो क्या करेंगे वो वहाँ पर सक, मतलब सक्सीड कर जाएंगे सरवाइव कर जाएंगे और डोमिनेट कर जाएंगे और जिसके लिए नहीं होगी वो जा तो बहुत कम हो जाएंगे या फिर एलिमिनेट हो जाएंगे वहाँ से इन्वेजन स्पीशीज फ्रॉम अदर एरियाज इन्वेड कम एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश दमसेल्सपेस लेफ्ट अब क्या होगा कुछ क्या है एक कम्यूनिटी में कुछ प्लांट्स जो है वो एलिमिनेट हो गए उससे क्या होगा एलिमिनेट जो वहाँ पे जगह जो बच गई तो वहाँ पे क्या होगा कोई बाहर से जो किसी और कम्युनिटी से कुछ जो स्पीशीज़ आएगी वो वहाँ पे इन्वेड होने की कोशिश करेगी तो वहाँ पे जो है और इस्टेब्लिश होने की कोशिश करेंगी उसको हम इन्वेजन बोलेंगे नेक्स्ट इज़ रिएक्शन द न्यू प्लांट स्पीशीज एंटर टू द एरिया एंड अफेक्ट द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ एग्जिटिंग स्पीशीज़ अब जो इन्वेजन हुई है जो बाहर से जो स्पीशीज़ आके वहाँ पर डेवलप हो रही है वो क्या करेगी वो दैट एंटर टू द एरिया एंड अफेक्ट टू द ग्रोथ जो सर्वाइवल वहाँ पर जो पहले की प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है वहाँ पर उनकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगी ड्यू टू दिस रिएक्शन एनवायरमेंट गेट मॉडिफाइड एंड बिकम अनसूटेबल फॉर एग्जिस्टिंग वंस तो इसकी वजह से क्या होगा जो अन जो पहले से जो वहाँ पर स्पीशीज़ प्रजेंट है तो उनके लिए ये जो इन्वायरमेंट है वो अनसूटेबल uh, हो जाएगा और जो वहाँ जो बाहर से आगे रहिए तो उनके लिए uh, वो जो है सूटेबल हो जाएगा एग्जिटिंग कम्युनिटी विल भी रिप्लेसड बाय अ न्यू कम्यूनिटी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग कम्यूनिटी है अब उनके लिए फेवरेबल जो सॉरी कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल होगी जिसकी वजह से वो जो है ख़त्म होती जाएगी और उसकी जगह जो बाहर से इन्वेड हुई थी वो जो है नई कम्युनिटी बना लेंगी नेक्स्ट इज जो लास्ट स्टेज है वो है स्टेबिलाइजेशन अब क्या होगा जब एक नई कम्युनिटी फॉर्म होगी उसके बाद क्या होगा जो लास्ट स्टेज है ये सक्सेशन की द न्यू प्लांट स्पीशीज गेट सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड अब नए जो प्लांट्स हैं वहाँ पे स्पीशीज़ वो इस्टेब्लिश होगी और वो स्टेबल हो जाएंगी अब उनमें क्या होगा कोई भी किसी तरह की चेंज जो है वो नहीं होगी कम्युनिटीज़ इज़ डोमिनेटेड बाई स्टेबल एंड स्मॉल नंबर प्रोमिनेंट स्पीशीज़ अब स्टेबल स्पीशीज़ है और कम होगी वो स्पीशीज़ दिस इज़ एन इक्वलिब्रियम स्टेज जिसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलेंगे ये देखिए यह स्टेज दिखाई गई तो पहले क्या था जो लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं कि पहले सोहेल है उस पर कुछ भी नहीं है फिर उसके बाद धीरे धीरे से उसमें जो ग्रासेस डेवलप होना स्टार्ट हुई फिर उसमें पेरिनियल प्लांट्स आना स्टार्ट हुए देन उसके बाद श्रब्स बनी फिर जो सॉफ्ट वुड ट्रीज़ है वो वो स्टार्ट हुए उसके बाद हार्ड वुड ट्रीज मतलब ये सक्सेशन की स्टेजेस है कि पहले कैसे वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन जो है कैसे हुआ कि पहले तो जो सॉयल है वो बिल्कुल बेयर थी उस पर कुछ भी नहीं था फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लोली स्लोली उस पर क्या हुआ कि पहले छोटी छोटी जो ग्रासेस है या श्रब्स है वो स्टार्ट हुई उसके बाद फिर जो नई स्पीशीज जो उस पर डेवलप हुई फिर वो जो लॉन्ग ट्रीज़ है लार्ज ट्रीज है वो भी वहाँ पर डेवलप हो गए ड्यूरिंग सक्सेशन अब सक्सेशन के टाइम पे किस किस चीज़ में कैसी कैसी चेंजेस जो हो डेवलप हो जाती है तो फर्स्ट है इसमें एन इंक्रीज़ इन स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर जो है जो वहाँ पे कम्युनिटी की वो चेंज हो जाएगी इंक्रीज़ इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ स्पीशीज़ की वैरायटी भी वहाँ पे जो है इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब डाइवर्सिटी मतलब कि बहुत सारी स्पीशीज़ मतलब वेराइटी वहाँ पर बढ़ जाएगी स्पीशीज़ की इंक्रीज़ इन बायोमास एंड स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास में भी इंक्रीज़ हो जाएगा डिक्रीज़ इन नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन कम्युनिटी प्रोडक्शन वो भी वो क्या होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी इंक्रीज़ इन नॉन लिविंग मैटर जो नॉन लिविंग मैटर है वो भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा इंक्रीज़ इन कम्पलेक्सिटी ऑफ फूड चेन रिलेशनशिप ज़्यादा स्पीशीज़ होगी तो मतलब फूड चेन में जो है ज़्यादा वो कंप्लेक्सिटी आ जाएगी नैरोइंग ऑफ नेच मतलब हैबिटेट जो है उसके लिए भी वो कम पड़ जाएगा स्पीशीज़ के लिए इंक्रीज इन एनर्जी यूज़ एंड न्यूट्रिएंट्स कंजर्वेशन एफिशिएंसी अब एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी और न्यूट्रिएंट को कंजर्व करने की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और स्टेबिलिटी जो है एक कम्युनिटी की वो इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ सक्सेशन इसमें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अकेडिया नेशनल पार्क की वहाँ पे क्या था अकेडिया नेशनल पार्क जो है इन मेन सफर्ड अ लार्ज वाइल्ड फायर इन 1947 ऑफ ओवर 10,000 थाउजेंड एकर्स टेन थाउजेंड एकर्स की जो एरिया था अकेडिया नेशनल पार्क का वो 1947 में वहाँ पे जो है वर्ल्ड जो वाइल्ड फायर हुई उसकी वजह से वो जो वहाँ पे वेजिटेशन uh, ख़त्म हो गई बींग नियरली ट्वेंटीट मतलब ट्वेंटी परसेंट ऑफ द पाक साइज जो है वो बचा था मैनी वर कंसर्न दैट वुड बी डिस्ट्रॉयड फॉर एवर मतलब ये उसको जो उस पाक का जो कंडीशन थी उसको देख के ये अंदाज़ा लगाया गया कि वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी मतलब वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो पाक बट क्या हुआ रिस्टोरिंग एफर्ट्स वर लेफ्ट ऑन द नेचर कोई रेस्टोरिंग एफर्ट्स जो थे वो सारे नेचर के ऊपर छोड़ दिए गए तो फर्स्ट ईयर तो जो था वो बहुत दैट देट वॉज अगली मतलब उस पर जो है जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत कम देखी गई अ वेरी फ्यू प्लांट स्पीशीज़ वर ग्रोन ऑन बर्न सॉइल मतलब फ़र्स्ट ईयर में बहुत कम स्पीशीज़ जो वो ग्रोन हुई उसके बाद एन जैसे जैसे टाइम जो है इंक्रीज़ uh, करता गया विद द पासेज ऑफ टाइम तो क्या होता गया जो नई नई स्पीशीज़ वहाँ पे एड होती गई और डाइवर्सिटी जो है वो uh, बढ़ती गई एज फॉरेस्ट वॉज बिफोर द फायर और क्या हुआ एंड में कि फॉरेस्ट उसी तरह से जैसा फायर से पहले था वैसा ही दोबारा से हो गया सेकेंड एग्जाम्पल इसकी हम लेते हैं कॉरल रीफ स्मॉल कॉरल पॉलिप्स कॉलनाइज़ द रॉक्स दीज पॉलिप्स ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म कॉरल कॉलोनीज अगर हम ये जो रॉक्स की जो अंडर वाटर की बात करें वहाँ पे जो कॉरल पॉलिप्स है वो क्या है रॉक्स के ऊपर कॉलोनीज में वो वहाँ पे जो सर्वाइव करते हैं दीज पॉलिप्स ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म कोरल कॉलोनीज ये जो पॉलिप्स है ये वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और इसके बाद वहाँ पे कॉलोनीज बन जाएगी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के जो रीफ्स uh, है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे बनने शेल्स बन जाएगी द शेप ऑफ द कॉरल रीफ्स अटैट अट्रैक्ट स्मॉल फिश एंड क्रस्टेशियन दैट आर फूड फॉर द लार्जर फिश अ फुली फंक्शनल कॉरल रीफ एग्जिस्ट नेक्स्ट अब हम कुछ इंटरेस्टिंग जो एग्जांपल्स हैं उनकी बात करते हैं से, जो सेकेंडरी सक्सेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस करेंगे हम जैसे कि इसमें होता है क्योंकि जो एग्जांपल्स है सेकेंडरी सक्सेशन पे अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको एक्सप्लेन कर सकते हो फर्स्ट इज़ रीनल ऑफ अ फॉरेस्ट फॉरेस्ट आफ्टर अ फायर इसमें क्या होता है द फायर जो है क्या पहले तो क्या है फायर जो है वो प्लांट्स को या ट्रीज को क्या कर देगी वो पहले डिस्ट्रॉय कर दे कर देती है उसके बाद क्या होता है जैसे मान लो कि फायर की वजह से जो पूरा जो वहाँ पे वेजिटेशन है वो ख़त्म होगी लेकिन उस पर क्या होगा कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो ऊपर ऊपर से जो वो वेजिटेशन ख़त्म हो गई लेकिन जो उसकी रूट्स है वो सॉयल में जो इन्वेडिड है या फिर उसके सीड्स सॉइल में प्रेजेंट है वो क्या हो गया वो दोबारा से जो वहीं जब भी वो फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो वो दोबारा ग्रो करेंगे तो उस उसको ये भी एक सेकेंडरी सक्सेशन है नेक्स्ट इज रीन्यूअल ऑफ अ क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग एक क्रॉप जो है वो पक गई उसके बाद उसको काट लेते हैं हम लोग अब क्या हुआ मान लो कि उस वो जो अब वहाँ से वो कम्प्लीटली जो है क्रॉप हारवेस्ट होगी उसको कम्प्लीटली वहाँ से निकाल लिया गया अब क्या होगा मान लो कि एक साल जो है उसमें हम लोग हर जो उसमें कल्टीवेशन नहीं करेंगे फिर भी बिन अगर कल्टीवेशन ना भी हो उसमें उसके बाद भी जो है कुछ जो उसके सीड्स है या रूट्स कोई भी उसके पार्ट्स है जो प्लांट के वो सॉयल में प्रेजेंट होंगे तो जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर जो वो उसकी फेवरेबल कंडीशन आएँगी तो वो अपने आप वहाँ पर ग्रो कर जाएंगी नेक्स्ट है फॉरेस्ट रीन्यूज़ आफ्टर लॉगिंग लॉगिंग जैसे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट जो लॉगर्स होते हैं ट्री लॉगर्स वो क्या करते हैं जो ट्रीज़ हैं उनको काट लेते हैं मान लो एक जैसे एक टाइम पे क्या हुआ कि सारे ट्रीज़ एक जगह के काट लिए अब क्या हुआ अब उनकी जो रूट्स है या उनके कुछ पार्ट्स जो है वो सॉयल में जो है वो रहेंगे उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो फिर से जो जो लॉग्स है जो मतलब वेजिटेशन है वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी नेक्स्ट इज़ वॉलकैनिक इरप्शन जो वॉलकैनिक जो एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से क्या होता है जो लावा है कभी कभी वो जैसे जो लावा वो फॉरेस्ट को या वेजिटेशन को वो उसकी वजह से वेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है डैमेज हो जाती है लेकिन फिर वो क्या हो फिर वही प्रोसेस जो है कि विद इन द पासज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम पास होता है फिर से जैसे जैसे उसका लावा का अफेक्ट जो है वो कम होने लगेगा उसके बाद क्या है जो सीड्स उसमें प्रेजेंट है या उसमें रूट्स जो प्रेजेंट है वो दोबारा ग्रो करेंगी उसके साथ भी जो है सक्सेशन वो होगा उसमें नेक्स्ट इज़ रिन्यूल रिन्यूल आफ्टर डिजीज़ अब कोई डिजीज़ है प्लांट को प्लांट पॉपुलेशन को जो ख़त्म कर रही है अफेक्ट कर रही है उसको उस पर भी क्या होगा जैसे बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज होती है तो वो क्या करेंगी वो डिजीज़ जो है वो बहुत सारी वेजिटेशन को ख़त्म कर देगी फिर क्या होगा जब क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा कि जो जो उसमें डिजीज़ में जो जो डिजीज़ टाइम विद द पासेज ऑफ टाइम क्या होगा वो डिज़ीज़ के जो उसके जर्म्स है जो जो इन्फेक्शन जो उसके इन्फेक्शन काज करने के जो बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज़ का स्लोली स्लोली क्या होगा वो जैसे जैसे पासेज ऑफ टाइम के साथ वो ख़त्म होगा उसके साथ क्या होगा कि जो वेजिटेशन है वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट करेगी अ फ्लड कैन रून फार्मलैंड्स फार्म अब फ्लड आते हैं कभी जो फ्लडेड एरिया है उसमें क्या होते हैं कि फ्लड जो है वो पूरी वेजिटेशन ख़त्म कर देते हैं जो क्रॉप्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं फिर उसके बाद क्या होता है जैसे जैसे जो फ्लड का जो पानी है जब वो सूखता है स्लोली तो उसके बाद क्या होता है टाइम के साथ वही जो उसमें सॉइल में जो पार्टिकल्स बचते हैं जो स्पोर्स बचते हैं जो सीड्स बचते हैं वो दोबारा ग्रो करते हैं देन प्लांट्स कैन बी वेरी ससप्टिवल टू अटैक फ्रॉम पेस्ट अब पेस्ट कभी कभी पेस्ट अटैक करते हैं प्लांट को तो उसके साथ क्या होता है जो अब पेस्ट की वजह से प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिर क्या होता है क्योंकि कुछ पेस्ट ऐसे हैं जो मत आ, कुछ टाइम के लिए होते हैं जैसे कोई सीजनल होते हैं जैसे जैसे वो उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो पेस्ट के लिए अनफेवरेबल होती जाएगी तो पेस्ट की जो काउंट है वो कम होती जाएगी जिसके साथ क्या है कि वो जो वेजिटेशन है वो दोबारा से ग्रो करेगी नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटैटो स्कैब इन ट्यूबर डिजीज अब जैसे पोटैटो की बात करें हम उसमें क्या है जो स्कैब डिजीज है वो उस पर पोटैटो की जो वेजिटेशन है उसको प्रॉपरली जो उसकी क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी लेकिन उसके बाद क्या होगा फिर जब क्या होगा टाइम के साथ क्या वो जो डिजीज़ है उसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा तो जो वो दोबारा से वही जो पोटैटोस है तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सक्सेशन अब सक्सेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं इसमें बात करेंगे हम पहले हाइड्रोसीरी ये क्या है सक्सेशन स्टार्ट इन हैबिटेट जो हाइड्रो मतलब वाटर एक्वेटिक तो हैबिटेट में जो सक्सेशन है उसको हम हाइड्रोसी बोलेंगे देन जीरो सिरी जीरो क्या है ड्राई एरिया में बेयरलैंड में जो सक्सेशन स्टार्ट होगा उसको हम हाँ, जीरो बोलेंगे देन लिथोसिरी जो सक्सेशन uh, है दैट बेयर रॉक सरफेस, रॉक सरफेस पे जो होगा देन सेमो सिरे सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन सैंडी हैबिटेट फॉर एग्जाम्पल स्पाइन इफेक्ट्स आइपोमिया बाइलोबा uh, ये क्या है ये जो सैंडी हैबिटेट में जो सक्सेशन होगा देन उसके बाद हेलोसेरे ये है जो सेलाइन सॉइल uh, या फिर वाटर है उसमें जो सक्सेशन होगा उस उसमें जो चेंजेस आएंगी उसको हम हेलोसेरे बोलेंगे देन सेनाइल इसमें क्या है सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लोअर प्लांट्स ऑन द डेड प्लांट पार्ट्स एंड बॉडीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उसके बाद है जियो सिरें यह क्या है इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरिया वेजिटेशन की डेवलपमेंट जब होगी नेक्स्ट इज अब अगर और भी कुछ क्लासी अ, मतलब ब्रॉडर क्लास ब्रॉडर अगर व्यू से देखा जाए तो को, किस बेस पे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं सक्सेशन को इसमें आएगा पहले हाइड्रार्क और ज़िरार्क ये दो तरह क्या है सक्सेशन इज जो वही हाइड्रार्क क्या है वाटर के साथ रिलेटेड है तो सक्सेशन इन अ वेट एरिया देन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स हाइड्रोसेरी और हेलोसेरी हाइड्रोसेरी मतलब फ्रेश वाटर सक्सेशन और हेलोसेरी जो सेलाइन वाटर सक्सेशन है देन सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज ये भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है लिथोसिरी एंड तो सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स लिथोसिरी एंड सैंडी एरियाज़ में जो सक्सेशन है उसको हम सेमोसेरी बोलते हैं अब हम बात करेंगे हाइड्रोसेरी की हाइड्रोसेरी क्या है ये है वेट और एकटिक सक्सेशन है प्रोसीड इन वाटर बॉडीज़ वाटर बॉडीज में ये होगा इसमें जो है सेवन सीरियल चेंजेस जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो सेवन स्टेजेस है इसकी हाइड्रोसी की उसमें फर्स्ट स्टेज हमारे पास है फाइटोप्लैंकटन स्टेज वाटर इज पुअर इन न्यूट्रियस वाटर जो है वो क्या है पुअर इन न्यूट्रिय इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ फाइटोप्लैंकटन्स कंसिस्टिंग एलगी बिगिन टू मल्टीप्लाई एंड एक्ट एज पायोनर स्पीशीज अब यहाँ पे जो फाइटोप्लैंकटन्स है वो क्या वो स्टार्ट करेंगे वहाँ पर ग्रो करना एज अ पायोनीट स्पीशीज मतलब जो मतलब जो सबसे पहले जो है वो स्पीशीज़ वो स्टार्ट करेंगे एज अ पायोनिट स्पीशीज़ मतलब बिगनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे आफ्टर डेथ ऑफ फ्लैक फाइटोपलेंगटन बैक्टीरिया एंड फंजाई डीकम्पोज इट जब ये फाइटो जो है वो डेड हो जाएंगे तो जो बैक्टीरिया और फंजाई है वो इनको डीकम्पोज करेंगे क्योंकि फ़ाइटो जो है दैट विल कंसिस्ट एल्गी जो एलगी कंसिस्ट करेंगे वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे एज अ पायनियर स्पीसीज पहले वो पायनियर स्पीसीज एक्ट करेंगे अब जब ये डेड कर जाएंगे इनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो है बैक्टीरिया और फंजाई मिलकर इसको डिकम्पोज कर देंगे वाटर बॉडी बिकम मिनरल रिच अब जब डी होगी तो वहाँ पे बहुत सारे जो आ, इनके मिनरल जो है वो उसमें आ जाएंगे तो मिन जो वाटर बॉडी है वो मिनरल रिच बन जाएगी और जो प्लांट की ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करेगी नेक्स्ट इज सबमर्ज स्टेज सबमर्ज एकुैटिक प्लांट सच एज हाइड्रिला एलोडिया नाजस एंड एलगी दीज ऑक्यूपाई शैलो पॉन्ड और लेक शैलो वाटर में जो ये स्पीशीज़ होती है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस मेक्स द बॉटम न्यूट्री रिच इसी तरह से ये भी जब Uh, इसमें जो ह्यूमस uh, की जो प्रेजेंस है वो क्या करेगी जो वाटर uh, जो बॉटम है उसको जो है न्यू uh, मतलब जहाँ जो वाटर बॉटम है यहाँ पे ये प्लांट्स uh, है प्रेजेंट तो उस उस जगह को उस सबस्टेट को वो क्या कर देगी न्यूट्रिएंट रिच बना देगी नेक्स्ट इज फ्लोटिंग स्टेज फ्लोटिंग स्टेज में क्या है प्लांट्स रूटेड इन मड प्लांट्स जो है वो मड में उनकी रूट्स जो है वो मड में इन्वेडिड होगी ब्रॉड लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इनके जो ये जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स उनके मैक्सिमम जो लीव्स है वो ब्रॉड होते हैं ताकि वो सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सके स्पीशीज़ इंक्लूड निम्फी पॉलीगोनम लिमनेन्थेम एंड कैस्टेलिया इसमें जो स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है अब फिर से इनकी डेथ और डिके होगी तो उसके बाद क्या होगा डेथ होगी तो ऑर्गेनिज़म्स या फंजाई या इनको वो डिके कर देंगे इनका जिसकी वजह से जो वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है वो इनक्रीज़ कर देंगे और उसके बाद फिर जो वो ग्रोथ प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट इज रीड स्टैम्प स्वैम्प स्टेज इनिशिएटेड इन एक्सट्रीमली शैलो वाटर जो रीड स्वैम्प है वो कहाँ पर होंगे ये जो है जो शैलो वाटर है वहाँ पे प्रेजेंट है एरिया इज इन्वेडिड बाई एम्फीबियस प्लांट्स लाइक साइपस टाइफाइड सेक्टर एम्फीबियस जो दोनों में रह सकते हैं मतलब अगर वाटर ना भी प्रेजेंट हो तो वो भी तब भी वो सरवाइव कर सकते हैं तो इसमें वो प्लांट्स आएंगे पार्टली समर्ज इन वाटर कुछ पार्ट इनका वाटर में समर्ज होगा और कुछ जो है वो बाहर होगा राइजोम्स आर ब्रांच इनके जो राइजोम्स है रूट्स में वो क्या है वो ब्रांच होंगे रूटेड इन बॉटम ऑफ द लेक लेक के बॉटम में रूटेड होंगे प्लांट्स ऑब्स्ट्रक्ट लाइट फॉर सबमर्ज प्लांट्स एंड दीज डाइज अब जो क्या है जो हायर प्लांट्स है जो लार्जर प्लांट्स है वो क्या करेंगे लाइट ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे लाइट को सबमर्ज प्लांट्स तक नहीं पहुंचने देंगे जिसकी वजह से ये प्लांट्स जो है वो डाई कर जाएंगे रिमेन्स ऑफ डेड सेटल्स अब जो इनका भी डेड सेटल है वो भी क्या करेगा बॉटम पे चला जाएगा और जो लेवल है वहाँ का वो राइज़ कर जाएगा वाटर का हैबिटेट बिकम्स अनफिट फॉर अब वाट क्योंकि वो शैलो वाटर में रहते हैं और आधे वो वाटर के अंदर होते हैं और आधे बाहर होते हैं अब जब ये आ, ज, ये जो डेड रिमेन्स है वो नीचे सेटल हो गए तो उसके बाद वाटर लेवल जो है वो राइज कर गया जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो जो समर्ज प्लांट है जो उनका हैबिटेट है वो अनफिट हो जाएगा और वो डाई कर जाएंगे जो स, उसके बाद जो उनके जो सबस्टेटम है वो अनफिट मतलब कंडीशन उनके लिए अनफिट हो जाएगी नेक्स्ट इज सेजमीडो स्टेज इसमें क्या है दिस स्टेज करेक्टराइज बाय प्लांट लाइक कैरेक्स जंकस एंड एलोकेरिस इसमें ये प्लांट्स शामिल है सॉयल लेवल कॉन्टीन्यूस टू राइज एंड बिल्ट अप ऑर्गेनिक मैटर सॉइल लेवल जो है दैट विल बी वो मतलब वो राइज करता जाएगा जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड होता जाएगा डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ मैंथा आयरिस गैलियम एटसेट्रा इन्वेडिड द एरिया एरिया बिकम्स ड्राई अब एरिया ड्राई कर जाएगा एंड अनफिट फॉर द वेजिटेशन नाउ वेजिटेशन वुडलैंड स्टेज हेल्थ लैंड फॉम्ड आफ्टर ड्राइंग ऑफ सॉइल रिमेन सेचूरेट विद वाटर इन स्प्रिंग एंड अर्ली समर जो हेल्थ लैंड है फॉर्म्ड आफ्टर ड्राइंग ऑफ सॉइल अब सॉयल ड्राई के ड्राई होने के बाद जो सॉइल बची है सेचूरेटेड दैट विद वाटर इन स्प्रिंग अब जब अर्ली समर या स्प्रिंग होगी तो उसके क्या होगा वहाँ पर वाटर जो है वो आ जाएगा सब क्लाइमैक्स वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज अपीयर्स अब वहाँ पर क्या है सब क्लाइमैक्स मतलब बहुत कम जो उसमें चेंजेज आएगी वे वेजिटेशन जो है डोमिनेट करेगी श्रब्स और स्मॉल ट्रीज के साथ इसमें कौन कौन सी स्पीशीज है सेलिक्स कॉर्नस एल्स एंड पापुलस ड्यू टू शेड ऑफ दीज प्लांट्स अब जो ये जो बड़े प्लांट्स हैं इनकी शेड के साथ जो प्लाट ग्रासीज एंड सेजेस है वो फिर से क्योंकि वहाँ उनके तक जो है लाइट नहीं पहुँच पाएगी तो जिसकी वजह से वो भी डिसअपियर हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज कौन सी है क्लाइमैक्स स्टेज उसमें क्या है मोर एंड मोर प्लांट्स ऑक्यूपाई द एरिया लीडिंग टू कॉम्पिटिशन एमंग दैम अब बहुत सारी स्पीशीज़ आ गई वहाँ पर और वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी हार्ड हो गया सॉयल ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कुछ स्पीशीज़ ग्रो कर रही है कुछ डाई कर रही है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी इंक्रीज कर रहा है सॉयल बिकम्स मोर फर्टाइल अब सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो रही है लार्जर ट्रीज इन्वेड इन एरिया अब लार्जर ट्रीज़ भी आ रहे हैं उस एरिया में कम्युनिटी बिकम्स स्टेबल एंड क्लाइमैक्स स्टेट इज रीच्ड अब क्या है कम्युनिटी क्या है वहाँ पे स्टेबल हो होने की कोशिश मतलब स्टेबल होना स्टार्ट कर देगी और उसके बाद क्या है क्लाइमैक्स स्टेट आ जाएगी मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी जब वहाँ पे जो है चेंजेस वो है नहीं होंगी ये है स्टेजेस ऑफ सक्सेशन पहले फाइटोप्लैंक्टन लेफ्ट साइड ऊपर से पहले फाइटोप्लैंक्टन फिर फ्लोटिंग प्लांट है उसके साथ अगर नीचे से हम देखें सबमर्ज प्लांट्स हैं देन फ्लोटिंग लीव्स आए उसके बाद रीड स्पैम्प जो है वो शैलो वाटर में जो प्रेजेंट है मार्श मीडो उसके बाद वुडलैंड्स देन उसके बाद जो लार्ज ट्रीज है वो फॉर्म हुए हाइड्रो सीरी के बाद अब यहाँ पे है जीरो सीरी मतलब जो ड्राई जो एरिया है उसमें जो सक्सेशन होता है ड्राई बेयर एरिया वेजिटेशन इसमें जो प्रेजेंट है दैट इज जीरो उस जो हाइड्रोसीर था हाइड्रो एरी में क्या था जो सेवन स्टेजेस थी और इसमें क्या है जो सिक्स स्टेजेस है फर्स्ट इज क्रस्टोस लाइकन स्टेज एक्ट एज पायनियर एस्टेब्लिश ऑन बेयर एरिया क्या है एज अ पायनियर जो स्पीशीज बिगिनिंग जो है प्राइमरी स्पीशीज ये एक्ट करेगी लाइकन्स माइग्रेट टू रॉक्स बाय विंड बॉर्न स्पोर्स एंड सोरेडिया अब लाइकन्स जो है इनके जो मतलब ये स्पोर्स के थ्रू जो मतलब विंड के थ्रू इनके जो स्पोर्स है वो माइग्रेट करेंगे टू द रॉक्स रॉक्स तक देन uh, उसके बाद क्या लाइकंस ग्रो इन मॉइस्चर जहाँ पे इनको हल्का सा भी मॉइस्चर दिखेगा वहाँ पे लाइकंस जो है वो ग्रो कर जाएंगी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो रिलीज़ होगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दिस रिएट्स विद वाटर एंड फॉर्म वीक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये वीक एसिड फॉर्म करेंगी उसके बाद लाइकन्स जो है उनकी डेथ हो जाएगी आफ्टर डेथ एंड डी के वो सॉइल की जो है वो एक सॉइल की सरफेस पे एक थिन लेयर बना देंगी देन उसके बाद है फॉलियर्स लाइकन स्टेज इसमें क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रस्टोज लाइकन्स गेट रिप्लेस बाय लार्जर लीफी फॉलियोज लाइकन्स अब जो क्रस्ट्रोज ला, लाइकन्स है वो क्या होगी डेड होगी उसके बाद जो फॉलियोज लाइकन्स है वो उनको रिप्लेस करेगी जो लार्ज लीफी लाइकन्स है स्पीशीज इंक्लूड पार्मेलिया डरमेटोकारपन अम्बिलिकेरिया इसमें स्पीशीज इंक्लूड है ग्रो ऑन द दॉयल एंड ह्यूमस ये जो ग्रो करती है फॉलियोज लाइकन्स ये कहाँ पे होती है सॉइल में जब ह्यूमस ज़्यादा जा, होगा फॉलिज जो लाइकन्स है दैट फॉर द लूजन द रॉक पार्टिकल्स ये क्या है रॉक पार्टिकल्स को लूज कर देती है देन उसके बाद क्या होगा इन ये जो है इनकी डेथ हो जाएगी डिके होगा तो जो सॉयल है उसमें ह्यूमस जो है वो इनक्रीज करेगा देन उसके बाद मॉस स्टेज आती है फॉलियज लाइकन्स ख़त्म होगी अब उसके बाद क्या है जो स्टेज आएगी लाइकन सक्सीड बाय मॉसेस मॉसेस जीरो फाइटिक है इंक्लूड्स पोलिड्राइकम एंड टोटूला इसमें स्पीशीज इंक्लूड है फॉर्म एन ओपन कम्युनिटी कनेक्टेड विद डेंस राइजॉय सिस्टम ओपन कम्युनिटी है और इसमें क्या है जो डेंस राइजॉयड सिस्टम है इसका रूट सिस्टम जो है वो डेंस होगा मोसज स्टेबिलाइज द सॉयल सरफेस एंड इनक्रीज वाटर होल्डिंग सरफेस और मॉसिस जो है वो सॉइल को स्टेबल कर देंगी और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी वो इंक्रीज़ हो जाएगी स्टेजेस मॉस प्लांट्स इंक्रीज इन नंबर एंड फॉर्म क्लोज्ड कारपर्ट ओवर द सॉयल मॉस प्लांट्स क्या है उनका जो नंबर इंक्रीज करेगा क्यों क्योंकि लाइकस के लिए जो ह्यूमिडिटी की ज़रूरत थी अब जो मॉस है मॉस प्लांट्स है इनके लिए ये क्या है जीरो फाइटिक है मतलब इनके लिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को जो इंक्रीज कर देगी ना मॉस प्लांट्स अब क्योंकि अब ड्राई एरिया है तो इनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है इसकी इसी इनका नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और एक कारपेट की तरह ये सॉयल के ऊपर जो है वो वहाँ पे फैल जाएंगी मॉसिस शेड द लाइकन्स एंड सक्सेसफुली कम्प्लीट देम फॉर वाटर एंड न्यूट्रियस जो मॉसिस है ये क्या करेगी अब लाइकन्स को शेड देगी मतलब इनकी शेड जो है वो लाइकंस पे भरेगी मतलब उनकी जो लाइट है वो उसको रोक लेगी ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगी एंड सक्सेसफुली कम्प्लीट दैम फॉर द वाटर एंड न्यूट्रियस लाइकन्स डाई अब लाइट लाइकन्स क्या है डाई कर जाएंगी क्योंकि लाइट नहीं मिल रही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो वो डाई कर जाएंगी एंड एड ऑर्गेनिक मैटर इन दॉयल डाई करने के बाद ऑर्गेनिक मेटर सॉइल में एंटर हो गया इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अब सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी सॉयल बिकम अनसूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइक एंड मोसिस अब इन जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो इंक्रीज कर रही है मतलब वाटर में अब सॉयल में वाटर ज़्यादा अमाउंट जो वाटर की वो बढ़ रही है सॉइल में जिसकी वजह से क्या होगा अब लाइकन्स और मॉसिस दोनों का वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा इसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ है फेस्टिका पोआ एंड सॉलिडेगो। डिके ऑफ प्लांट इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रियट्स जैसे ही इन प्लांट्स की जो है डिके होगा उसकी उसके साथ क्या होगा जो सॉयल है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनकी अमाउंट बढ़ जाक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट इज श्रब्स स्टेज मॉस स्टेज के बाद अब श्रब स्टेज आएगी इसमें क्या होगा श्रब्स सच एज रोज फाइसोकार्पस इट्स एक्टर इनवेट द एरिया ये अब श्रब्स जो वहाँ पे एरिया में एंटर हो जाएंगी हर्बेशियस प्लांट्स डिसअपियर अब जो हर्बेशियस प्लांट्स है वो डिसअपियर हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे उनका जो डेड डी मटेरियल है वो भी सॉयल में जो है न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को इंक्रीज करेगा अब क्या होगा श्रब्स ग्रो करेंगी उनका साइज ग्रो करेगा उनका नंबर ग्रो करेगा एंड मेक द हैबिटेट मोर स्टेबल फॉर हायर प्लांट्स एंड ट्रीज अब वहाँ पे जो है जो एटमॉस्फियर है जो हैबिटेट है वो अब हायर प्लांट्स के लिए और भी ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा नेक्स्ट लास्ट स्टेज इसमें आती है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट मतलब अब प्लांट्स आ जाएंगे हायर और ट्रीज़ uh, आ जाएंगे जीरो ट्रीज स्पीशीज़ इन्वेड द एरिया अब ज़ीरो फाइटिक ट्री स्पीशीज़ आ गई एरिया में उसके बाद क्या होगा प्लान्टयल मॉइस्चर इंक्रीजेज़ ज़ीरो फाइट्स गेट रिप्लेसड बाय मीज़ो फाइट्स अब सॉयल मॉइस्चर इंक्रीज करेगा जिसके जिसके बाद क्या होगा जो ज़ीरो फाइट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे जैसे जैसे मॉइस्चर प्ला वो सॉयल में इंक्रीज़ करेगा वाटर की अमाउंट इंक्रीज़ करेगी तो ज़ीरो फाइट्स जो ख़त्म होने लगेंगे और वहाँ आ जाएंगे स्पीशीज़ ग्रो एंड बिकम डोमिनेंट अब मीज़ोफाइट स्पीशीज़ ग्रो करेंगी और डोमिनेंट कर जाएगी और जिसके साथ क्या होगा जी जो जीरो फाइट थी वो भी ख़त्म हो जाएगी कॉम्पिटिशन बिकम लेस इंटेंस एंड कम्युनिटी बिकम स्टेबल अब क्या होगा अब जीरो फाइट्स भी खत्म हो गए अब वहाँ पे मीज़ोफाइट्स प्रेजेंट हो गए मीजोफाइट्स प्रेजेंट हो गए तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है वो ऑल बहुत ज़्यादा कम हो गया जिसकी वजह से अब जो इक्वलिब्रियम स्टेज वहाँ पर डेवलप हो गई नो चेंजेज तो जिसकी वजह से जो कम्युनिटी है वो क्लाइमैक्स स्टेज तक पहुंच गई ये देखिए जीरो सीरी का सक्सेशन कैसे होता है सबसे पहले बेयर रॉक थी उस पर क्या है कॉलनाइजेशन ऑफ मोसेज एंड लाइकन्स लेफ्ट साइड से हम राइट right साइड जैसे एरो दिखाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग रॉक्स विद कॉलोनाइजेशन ऑफ मोसेज एंड लाइकन्स ये जो हल्के हल्के से जो शेड से दिखाई गए हैं वो क्या है वहाँ पे मॉसिस और लाइकन्स डेवलप हो गई हैं नेक्स्ट उसके बाद अब क्या होगा रॉक्स पे ग्रासेस डेवलप हो जाएंगे ग्रासेस हो गए देन उसके बाद नीचे की साइड देखिए श्रब्स आर ग्रोइंग नियर द रॉक्स अब श्रब्स वहाँ पे जो है ग्रो करना स्टार्ट हो गई श्रब्स के बाद अब जो लास्ट स्टेज है ट्री जो है वो ग्रो कर गए तो ये जो है क्लाइमेक्स स्टेज वहाँ पर डेवलप हो गई इसके साथ हमारा ये जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है सो so, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और किसी भी तरह की बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करें सो so, जी अब अगर अभी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें थैंक यू